हेलो गाइस, दिस इज लेते चैटर्जी। वेलकम टू माय चैनल। सो मैं आज फिर से आ चुका हूँ एक नया ब्लॉग लेके। टाइटल देख के आप लोगों को पता चली क्या होगा कि आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं जाने वाला हूँ कलकत्ता। और मैं जाने वाला हूँ कि अभी लॉकडाउन में कलकत्ता का क्या हाल चाल है, कौन सा जगह खुला है नहीं है। सो आप लोगों को पता ही होगा कि कलकत्ता और खड़गपुर में बहुत डिफरेंस है। सो आप लोग अगर मेरा खड़गपुर वाला वीडियो नहीं देखे होगे तो देख लो, यहाँ पे आई बटन में आ चुका है। तो आज मैं नॉर्थ कोलकाता शायद से जाने वाला हूँ। सोदपुर जो एरिया है आप लोगों को पता होगा, सोदपुर में मैं अभी जाऊँगा। सो एक फ्रेंड है मेरा मनप्रीत सिंह करके, जो मेरे पिछला वीडियो में था, तो मैं उसके साथ जाऊँगा। उसका कुछ है काम, मैं बोला चल भाई तू जा रहा मैं भी चल जाता हूँ, एक ब्लॉग बना दूंगा। घर में बैठे बैठे तो कुछ होता नहीं है, इस चाचा ब्लॉग ही बना ले। तो बिना किसी देरी के आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो रेडी फॉर द ट्रांजिशन? सो आई एम रेडी। तो अभी मैं जाने वाला अपना फ्रेंड का घर, उसके बाद मैं निकलूंगा कलकत्ता के लिए। सो बिना किसी देरी के रेडी स्टेडी गो। निकल चुके हैं अभी, हवा बनाने का है बाड़ी। सो वो वीडियो का तरह आज फिर से मनप्रीत सिंह मेरे साथ। अब हम लोग जाएंगे कलकत्ता, फिर देखते हैं आगे का, सोचते हैं क्या करेंगे नहीं करेंगे। अगर टाइम मिला तो मैं आज एक फूड ब्लॉग भी कर सकता हूँ, देखते हैं। ओके बाय। सो अभी आधे घंटे के दूरी में है सोदपुर से, देख सकते हो बारिश स्टार्ट हो गई है। ये मेरे को भी देना, ये 5 rupees पर सेकंड। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मनप्रीत के फ्लैट में। सो ये देखिए मनप्रीत जी को अपना घर अभी साफ करेंगे। पानी भी नहीं है इधर। कॉलेज दिखाएंगे फिर देखते हैं क्या करेंगे आगे। तो हम लोग आ चुके हैं अभी मनप्रीत के कैंपस में। अभी ये मुझे अपना कैंपस घुमाने लेके चलेगा, तो मैं देखूँगा इसका कैंपस कैसा है, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि मेरा कॉलेज कैंपस अच्छा है किसका। ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, ये कैंपस अच्छा है, ठीक है देखते हैं वो किसका कैंपस। भाई इधर एक ही जगह है जो कलकत्ता में आराम से सांस ले सकते हैं, भीड़ नहीं, खाली खाली है। मेरा घर भी है, घर का बात नहीं है बाहर का। तो ये है मनप्रीत का कॉलेज का बीचों बीच। भाई शांति है कि नहीं? शांति बहुत है। अभी हम लोग जाएंगे चाय पी सकते हैं, एक मेरा फेवरेट दुकान है यहाँ पे, क्या नाम है भगवत भगवती, भगवती भगवती है, वहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे। उसके बाद देखते हैं वहीं से खाना वगैरह खाएंगे। सिट। सो यही है वो जगह भगवती मिष्टान्न भंडार जो नाम है, ये मेरा फेवरेट प्लेस है। इसका घर के सामने ही है, इसका घर उस साइड में है इसका घर। और इधर हम लोग आते हैं खिचड़ी खाने चाय पीने, तो यहाँ का चाय बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं आज वही पीने आया हूँ। चलो फिर आगे दिखाता हूँ मैं वीडियो। तो ये है वो चाय जिसके लिए मैं मरता हूँ कोलकाता आने से, तो मेरे लिए और मनप्रीत के लिए एक। अभी हम एक्सपीरियंस करेंगे द रुको 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 पहले चीयर्स। कुछ याद आ रहा है मेरे को ये चीयर्स। चीयर्स। तो गाइस ये जगह का नाम है पानी हाटी।
क्यों है वो आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा। बहुत बहुत फनी बात है, बहुत फनी बात है, अभी दिखाता हूँ आप लोग। चलो देखो फिश। तो चलो गाइस, 5 मिनट का बारिश में इतना हो जाता है पानी, आप देख सकते हो इतना पानी, 5 मिनट का बारिश में इतना पानी हो जाता है इधर, इसलिए इस जगह का नाम है पानी हाटी, जो हम लोग बोलते हैं, बाकी नहीं पता। तो गाइस मैं इसके घर आया था, तो हम लोग कुछ प्लान नहीं था, बस आके देखे हम लोग क्या हाल चाल है कलकत्ता का। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, कमेंट करके बोलो नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ बनाऊँ, क्या लेके बनाऊँ, कुछ दो टॉपिक्स यार, बोर हो रहा है हम लोग बहुत घर में, हम लोग दोनों कुछ ये भी कर सकते हैं, फूड चैलेंजेस थोड़ा बताओ, कमेंट करके बताओ कुछ, क्या करना, या तो नहीं करना, पॉडकास्ट टाइप्स का कुछ डिस्कशंस में वो भी कर सकते, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। चलो ओके।